सो वेलकम गाइस, देखो आने से पहले ही ढक्कन गिर गया। सो गाइस वेलकम टू सेपरेट वीडियो ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई एम हिमाम जानी, वेलकम्स यू ऑल टू योर ओन चैनल बायोलॉजी सर्कल। सो गाइस, एज आई प्रॉमिस बिफोर इन प्रीवियस वीडियो दैट ऑन वायरस आई मेड सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है गाइस, तो मैंने अपना प्रॉमिस निभाते हुए वायरस पे ही सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और अभी टाइम भी ऐसा चल रहा है कि वायरस पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही है, कोरोना महाशय पूरे बिराज चुके हैं। ठीक है गाइस, तो अपन वायरस से स्टार्ट करते हैं। अपन ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले अपन ने हर एक किंगडम डिस्कस किया, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। ठीक है, उसके बाद प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का एक बेसिक सा इंट्रो देखा था, वो सेपरेट चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे, कवर करेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे। पर अब इस वीडियो में अपन वायरस और वायरस और लिचन के बारे में वन शॉट मैं कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाले गाइस, सो पूरा देखिएगा, देन स्टार्ट। सो गाइस मैं हेडिंग डाल देता हूं, वायरस। सबसे पहले इसके नाम से जाता है ना, तो वायरस ये जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है विनोम। ये जो वायरस गाइस वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है विनोम, जहर। ठीक है, या कह सकते हैं पॉइजनस फ्लूड। ठीक है गाइस, ये इसका मीनिंग होता है, विनोम या पॉइजनस फ्लूड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वायरस को मैं अभी क्यों पढ़ा रहा हूं, मुझे किंगडम में क्यों नहीं बताया? क्योंकि गाइस वायरस जो है वो नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम आर एच विट्टेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आर एच विट्टेकर ने गाइड है ना, इसको किंगडम में इंक्लूड नहीं किया था। उसने जो पांच किंगडम बनाए थे उसमें इसने वायरस को इंक्लूड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जो वायरस होते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये जो वायरस होते हैं, ये क्या होते हैं? ये ट्रू लिविंग नहीं होते, नॉट ट्रू लिविंग। ये ट्रू लिविंग नहीं होते, ठीक है, जिंदा नहीं होते, इसलिए वायरस को क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया। वायरस की गाइस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नॉन सेल्यूलर होते हैं। ठीक है गाइस, क्या होते हैं? नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल ही नहीं है गाइस, तो फिर इसको हम इंक्लूड करें भी क्यों, कैसे करें क्लासिफिकेशन में? ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरी बात, इनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल वॉल। अब नॉन सेलुलर है तो सेल वॉल का तो बात ही नहीं आती, सेल वॉल नहीं होती। हाँ, पर एक प्रोटोनेशियस लेयर होती है, प्रोटोनेशियस लेयर होती है गाइस, जो इसको कवर करती है, जिसे अपन बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड। और कैप्सिड प्रोटोनेशियस लेयर होती है, और कैप्सिड किससे बनती है? ये जो कैप्सिड है ये बनती है कैप्सोमर। ठीक है, ये तो बात हुई वायरस के ओवरऑल स्ट्रक्चर बेसिक की। अब वायरस गाइस एक्चुअली में समझे ना, सिंपल में, तो आपको जो भी ये सर्दी जुकाम हो रहा है, ठीक है, या कोई भी फ्लू लाइक अभी जो कोरोना वायरस, तो ये क्या एक टाइप ऑफ वायरस है। आपको और कॉमन कोल्ड हो रहा है जो सात से आठ दिन तक रहता है नॉर्मल सर्दी का, वो भी एक वायरस के कारण होता है। या फिर कोई फ्लू या स्वाइन फ्लू, ये जो सारी जो डिजीजेज है ना, वो सब वायरस के कारण होती है। ठीक है, वायरस इसकी जो साइज होती है वो बैक्टीरिया से भी कम होती है, लेस साइज देन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को जो प्रूफ होता है ना, मतलब बैक्टीरिया का छानने वाले, छन्नी नहीं होती, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया से जो बैक्टीरिया को सेपरेट करती है वो छन्नी, उससे भी आसानी से गो आउट कर जाते हैं, मतलब वो भी इसको प्योरीफाई नहीं कर पाते, इसलिए मतलब इतने छोटे होते हैं वायरस। ठीक है, लेस इन साइज देन बैक्टीरिया। ठीक है, जो वायरस बैक्टीरिया को कॉज करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। जो वायरस गाइस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जो वायरस बैक्टीरिया को क्या करता है इन्फेक्ट करता है। अब एक साइंटिस्ट था आइवंस के, आइवंस करके एक साइंटिस्ट था आइवंस के
आइवंस के एक साइंटिस्ट आई थिंक 1832 में लगभग गए, 1832 एक दो साल आगे पीछे होगा, मुझे फिक्स डिटेल पता नहीं है। आइवंस करके एक साइंटिस्ट था 1832 में, उसने वायरस का ये नाम दिया था कि वायरस जो होते हैं वो विनोम और पॉइजनस लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो असेल्युलर होते हैं, ठीक है, नॉट ट्रू लिविंग होता है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक स्टेनले, यस गाइस, स्टेनले, डब्ल्यू एच स्टेनले, इसके बाद एक साइंटिस्ट था डब्ल्यू एच स्टेनले, उसने भी सेम बात ही कही थी गाइस। डब्ल्यू एच स्टेनले ने भी मतलब ये कहा था, डब्ल्यू एच स्टेनले ने, कि अब ये सेलुलर तो है नहीं। डब्ल्यू एच स्टेनले ने क्या कहा था कि अब अपन ने देखा ये नॉन सेलुलर, सेल से तो बना नहीं। तो डब्ल्यू एच स्टेनले ने कहा था कि जो वायरस है, वायरस वो किससे होता है, एक क्रिस्टलाइट स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल के शेप का हो, क्रिस्टल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, सेलुलर है नहीं तो कुछ तो होगा, तो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होता है। डब्ल्यू एस स्टेनले ने इतना कहा था गाइस। ये दो मेजर साइंटिस्ट थे जिनका रोल वायरस के अंदर मेजर गिना जाता है, ठीक है। एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ गाइस, उसने ये कहा था कि जो वायरसेस है ना, ये थर्ड साइंटिस्ट था गाइस, उसने ये कहा था कि जो वायरस है ना वो ऑर्गेनिज्म है जो टोबैको डिजीज कॉज करता है, उसने एक नाम दिया था, उसने नाम दिया था गाइस टोबैको वाला जो था ना, वो तो आइवेंस्के ने भी कहा था कि वायरस एक तो ये है और सेलुलर भी है, और एक ये टोबैको डिसीज कॉज करते हैं, और एक जो थर्ड साइंटिस्ट था ना गाइस, उसने एक नाम दिया था, आई तो उसका नाम भूल रहा हूं मैं, उसने एक टर्म दिया था कॉन्टेजियम विविडियम करके एक टर्म दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम आप एनसीईआरटी में देख लेना गाइस, अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूं। तो ये तीन साइंटिस्ट थे जिनके मेन रोल अपन कंसीडर करते हैं, मेनली तो डब्ल्यू एस स्टेनले जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और दूसरा आइवंस्के, थर्ड साइंटिस्ट आप देख लेना, मैं अभी भूल रहा हूं। तो ये तो बात थी गाइस वायरसेस की अपन ने बात की। हाँ, वायरसेस में क्या होते हैं, या फिर तो आरएनए होगा, ठीक है, या फिर डीएनए होगा, आइदर आरएनए और डीएनए, किसी भी वायरस में दोनों चीज प्रेजेंट नहीं हो गए, आइदर मैं यहां पे लिख देता हूं आइदर, या फिर तो आइदर आरएनए होगा या डीएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ठीक है। जो बैक्टीरियोफेजेस, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आरएनए नहीं, डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो किसी भी वायरस में या फिर तो आरएनए होगा सिंगल डबल, या फिर डीएनए होगा डबल, मेनली जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो बैक्टीरियोफेजेस में पाया जाता है। किसी भी वायरस में दोनों चीज पॉसिबल नहीं होगी, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये तो बात हुई गाइस वायरस की, अब बात आती है वायरस से भी छोटे सब्सटेंस, दैट इज मैं यहां पे लिखता हूं गाइस वायरॉइड। एक साइंटिस्ट था टीओ डाइनर ने गाइस वायरॉइड को डिस्कवर किया था, वायरॉइड का ऐसे ऑर्गेनिज्म वायरस से भी छोटे, लेस इन साइज देन वायरस, ठीक है। और वायरस और वायरस में मेन डिफरेंस क्या, वायरस में अपन ने प्रोटीनेशियस लेयर देखी थी कैप्सिड, जबकि वायरस में कैप्सिड जो होती है गाइस वो एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं हो रही, कैप्सिड एब्सेंट, ठीक है। ये दो डिफरेंस, एक तो साइज भी छोटी है, कैप्सिड भी एब्सेंट है, ठीक है। वापस इसका जो आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल गाइस, ये ध्यान से सुनना गाइस, जेनेटिक मटेरियल किसका, वायरॉइड का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसका जो वेट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू वायरस, ठीक है। तो ये बात आई वायरॉइड की, साइंटिस्ट का नाम देखा, जेनेटिक मटेरियल देखा, डिफरेंस देखे। अब अपना जो लास्ट टॉपिक आता है ना गाइस, वो आता है लिचन। क्या होता है, एक एल्गे और फंगल का क्लोज एसोसिएशन होता है, किसका,
एल्गे और फंगस, फंगा कह लो, का क्लोज एसोसिएशन होता है। कैसा एसोसिएशन होता है? क्लोज एसोसिएशन गाइस, क्लोज एसोसिएशन। एल्गे और फंगा का क्लोज एसोसिएशन होता है जिसे अपन लिचन कहते हैं। इसमें एक कंपोनेंट एल्गे होगा और एक कंपोनेंट फंगा होगा, ठीक है। और उन दो कंपोनेंट को अपन बोलेंगे माइकोबिएंट, माइकोबिएंट और फाइकोबिएंट, फाइकोबिएंट और माइकोबिएंट, ठीक है। दो कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट और फंगा कंपोनेंट। तो क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगा, उसे अपन लिचन बोलेंगे। दो कंपोनेंट होंगे, एक एल्गे का एक फंगा का, माइकोबिएंट और फाइकोबिएंट, ठीक है गाइस। इसमें अब दोनों क्लोज एसोसिएशन मतलब एक, दोनों एक दूसरे के यूज करते हैं। एल्गे फंगा के लिए खाना प्रोवाइड करता है, तो फंगा उसके लिए प्रोटेक्शन, मतलब ऐसे दोनों आपस में, मतलब एक को फायदा नहीं है, दोनों को फायदा है, ठीक है गाइस। तो अपन ने यहाँ पे वायरस, वायरस और लिचन टॉपिक आई थिंक 10 मिनट भी तो नहीं हुआ होंगे, 15 तो बहुत दूर की बात है, अपन ने फटाफट कंप्लीट किया। छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो अपन ने वायरस, वायरस और लिचन को कंप्लीट किया। तो गाइस हियर वी कंप्लीटेड आवर सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिटेल टॉपिक वाइज सीरीज। सो गाइस ऑब्वियसली इफ यू लाइक माय लेक्चर्स देन प्लीज गिव मी अ स्वीट थम्स अप एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब का बटन तो दबाना पड़ेगा, और वो जो बेल आइकन है उसको तो ऑफकोर्स दबाना ही पड़ेगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए, ठीक है गाइस। टिल, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन।